ब्राह्मण कुल का बालक, एक ब्राह्मण का पुत्र किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, विद्या अध्ययन करने के लिए, पूरी अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा, वेद उपनिषद षड दर्शन सबका ज्ञान प्राप्त करके वो वापस अपने घर आए और अपने पिताजी को कहता, पिताजी हमने सब कुछ सीख लिया, हमको सब कुछ आ गया, सब शास्त्र पढ़ लिए, सब वेद पढ़ लिए, किस पन्ने पर क्या लिखा कहीं से भी पूछ लो, हम आपको तुरंत बता देंगे कि आगे वाला श्लोक कौन सा, इतना हमने ग्रंथों को पढ़ा। तो पिताजी बोले कि बेटा ग्रंथ तो तुझसे बाद में पूछेंगे, तू हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, हम उसी में समझ जाएंगे तू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो बोला कि कहिए क्या प्रश्न है आपका। पिताजी बोले अच्छा हमको ये बता, पाप के बाप का नाम क्या है, पाप के बाप का नाम बता। अब छोरा तो क्योंकि उसने सब कुछ पढ़ लिया पर कहीं लिखा ही नहीं था कि पाप का बाप कौन होता, न भागवत न गीता कहीं स्पष्ट लिखा ही नहीं पाप का बाप क्या होता। तो छोरा बोला पिताजी हम तो नहीं जानते। तो पिताजी बोले नहीं जानता तो जब तक तुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तब तक हम मानेंगे नहीं तुझने कुछ सीखा, पहले इस प्रश्न का उत्तर दे। बोला ठीक है पिताजी, हम भी जब तक पाप के बाप को खोज नहीं लेते आपके पास वापस नहीं आएंगे, वादा है हमारा। और ले अपना झोला, चल पड़ा पाप के बाप को खोजने के। अब जाता गया गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, पूरा देश भ्रमण किया, सब जगह सबके स्थान पर खोजा पाप का बाप, लेकिन कहीं उसको नहीं मिला। तभी एक गांव में पहुंचा, भूख लगी थी बड़ी जोर की, नियम था भिक्षा मांग के किसी ब्राह्मण के घर खाता था। तो उसने देखा एक बड़ा सुंदर गांव में बड़ा सुंदर घर है और पूरा आंगन गोबर से लेपन किया हुआ है और आंगन में एक बड़ी सुंदर तुलसी लगी हुई है। अब जिसके आंगन में तुलसी लगी होगी वो कौन होगा, हनुमान जी जब लंका गए थे तो उनको कैसे पता चला कि ये घर किसी सज्जन व्यक्ति का। लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी कहते यहां कौन आदमी आ गया इस बड़ी पाप की लंका में, ऐसा कौन आदमी सज्जन वैष्णव आ गया, कैसे पहचाना श्री हनुमान जी ने कि ये वैष्णव का घर है, क्योंकि उस घर के आंगन में बड़ा सुंदर तुलसी का पौधा विभीषण ने लगाया हुआ था। उस तुलसी के पौधे को देख के समझ गए कि ये घर किसी सच्चे वैष्णव का है। जो भी घर किसी सच्चे वैष्णव का होगा वहां आपको दिख जाएगा यहाँ तुलसी लगी हुई। और संसारी का घर की पहचान क्या है, संसारी के घर की यही पहचान है या तो घर के आगे घर की छत पे वो गाड़ी वाला टायर लगा के रखेगा, और वो भी नहीं होगा तो वो एक काला सा मटका जिसकी आंख नाक मुंह बना के वो लगा के रखेगा। तो मतलब समझ जाइए कि इस घर में कोई डरा हुआ आदमी रहता है। डरा हुआ क्यों, क्योंकि उसको डर है कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए, उसको भगवान पर विश्वास नहीं है, उसको दुनिया की चीजों पर विश्वास, इसलिए डरा हुआ। लेकिन वो ब्राह्मण देवता तुलसी देखी, अंदर चले गए, एक महिला आई, बाबा पानी लोगे, हाँ जल पानी लेके आई, बाबा ने पानी पी लिया। और जब पानी पी लिया तो पूछा कि देवी ये किसका घर है, कौन सा ब्राह्मण रहता है, कौन सा वैष्णव रहता है। तो उस महिला ने हंसते हुए कहा कि बाबा यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं रहता, यहाँ कोई वैष्णव नहीं रहता,
ये तो इस गांव की वारंगना का घर है, गांव की वैश्या का घर है। जैसे ब्राह्मण देवता ने सुना कि वारंगना का घर है, बाबा चार फुट उठल गए। हाय राम 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 राम, ये क्या हो गया हमसे, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप, अनर्थ हो गया। निकले थे पाप के बाप को खोजने के लिए, यहाँ तो उल्टा हमसे पाप हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक वारंगना के घर का, एक वैश्या के घर का पानी पी लिया, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता। छी छी छी। तभी अंदर से वो जो वैश्या, जो वारंगना थी, वो बाहर आई। हाँ, कर्म से वो वारंगना थी, लेकिन वो भगवत भक्त थी। आके हाथ जोड़ के बाबा को बोला, बाबा जी नाराज क्यों होते हो, भले भगवान ने हमको जो भी कर्म दिया है, पर महाराज आप आए हो हमारे घर, ये हमारा भाग्य है कि हमारे घर एक ब्राह्मण देवता ने आके जल पिया। और महाराज अब बस हमारी एक और इच्छा है, अब जल तो पी ही लिया है, अगर आप हमारे घर भोजन और कर लेते तो महाराज बस जीवन धन्य हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले, ये क्या बोल रही है तू, सोच समझ के बोल, जल पी लिया ये कम बड़ा पाप किया क्या हमने, गंगा जी में जाके अब नहाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तब जाके पाप के बोझ से मुक्त होंगे। वारंगना बोली, देखो बाबा वैसे तो हम कुछ जानते नहीं, पर बस इतना जानते, देखो पाप तो हो ही गया है, अब वो तो छूट नहीं सकता, अब गंगा जी तो जाना ही पड़ेगा, अब जल पिया तो उसके लिए एक डुबकी मारोगे, भोजन और कर लो उसकी जगह दो डुबकी मार लेना। अच्छा बाबा आप हमारे घर भोजन करोगे, हम आपको 5 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे, 5 सोने के सिक्का दक्षिणा। तो ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया, बात तो सही करी, पाप तो हो गया है, नहाना तो पड़ेगा, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम वो चावल चीनी इत्यादि हमको ला के दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, स्वयं भोजन करें। फिर वारंगना आई, फिर हाथ जोड़, देखो बाबा अब देखो पाप तो हो ही गया है, अब गंगा जी तो जाना ही है, अब 2 डुबकी की जगह 3 मार लेना, पर हमारी इच्छा ये कि भोजन आपका हम अपने हाथों से बना, बाबा हमारे हाथ का भोजन हम आपको खिलाना चाहते हैं, हम आपको 10 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे। ब्राह्मण देवता बोले कि बात तो सही कह रही है, पश्चाताप तो करना ही है, 2 की जगह 3 डुबकी मार लेंगे, चल ठीक है भोजन बना दे। भोजन बना दिया गया, अब भोजन बना, वारंगना ने वैश्या ने ला के भोजन सामने परोस दिया, अब बाबा खाने ही वाले थे, फिर वारंगना आई और हाथ जोड़ के बोली, देखो बाबा अब पाप तो हो ही गया है, अब नहाना तो पड़ेगा ही, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा, अब जब करना ही है तो महाराज एक और पाप कर लीजिए। क्या बोले, हम एक और आपको अपने हाथ से खिलाना चाहते। छी छी छी, क्या बात करती है तू, तेरे हाथ का हम खाएंगे, महाराज एक और खा लीजिए, अब की बार तो हम आपको 50 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे, नहाना तो है ही, 5 डुबकी मार लेना। बाबा बोले, चल तेरे भाव को देख के चल मान जाते। वारंगना ने कौर उठाया और जैसे ब्राह्मण ने मुंह खोला, मुंह में डालने की जगह उसने कौर को नीचे रखा और एक जोरदार, तुरंत आसन से महाराज क्रोध में होकर खड़े हुए, ये तूने क्या दृष्टता की, हमारा अपमान अपने घर बुला के हमारा अपमान किया, तू जानती है हम तुझे श्राप दे सकते हैं। वारंगना हाथ जोड़ के बोली, बाबा गुस्सा मत होइए, क्रोधित मत होइए, हम कोई आपको कुछ अपमान नहीं करना चाहते थे, पर हम तो आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे, जब आप घर में आए आपने जल पिया तो आपने कहा था कि निकले थे पाप के बाप को खोजने, उल्टा पाप हो गया, तो महाराज आपको बस बताना चाहती थी कि पाप का बाप कौन है, मुझे बताइए आप मेरे घर भोजन करने क्यों रुके, क्यों मेरे हाथ का भोजन खाए। बाबा बोले, तेरे प्रेम को देख के, तेरे भाव को देख के,
ऐसा बोली, महाराज अपने दिल से पूछ के देखिए, भाव को देख करके नहीं, 50 सोने की मुद्रिकाओं को देख करके आप यहाँ भोजन करने रुके, इसलिए महाराज लिख ले जाइए कि पाप के बाप का नाम लोभ है। वो लोभ ही है जो आपके सब पापों की जड़ होता है। आज आप यहाँ उस लोभ के कारण रुके, कोई भाव भाव नहीं था। हमारे जैसे लोगों का भाव क्या मायने रखता आपके लिए, लेकिन उस लालच के कारण, लोभ के कारण, उन सिक्कों के कारण आप यहाँ।